अस्सलाम वालेकुम किड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन आवर टुडेस वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल इन विच वी डिस्कस्ड एटॉमिक रेडियस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी विच इज द नेक्स्ट ट्रेंड अमंगस्ट द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स। सो वॉट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक ओल्ड लेडी, लेट सपोज अगर हम एटम को कंसीडर करें एज एन ओल्ड लेडी एटम, ठीक है, तो एक है जो कि हमारे पास ओल्ड लेडी एटम है और एक है हमारे पास बिग गाय एटम, ठीक है, जो कि थोड़ा मस्कुलर भी है, स्ट्रांग भी है एंड नॉट वेरी इजी टू टैकल, ठीक है, जो कि अगर हमसे लड़ाई करे तो वो जीत भी जाएगा। सो नाउ लेट अस अज्यूम कि हमारे पास दो ऐसे एटम्स मौजूद हैं। अब अगर दे बोथ आर कैरिंग अ पर्स, अगर अपने हाथ में एक पर्स लिए हुए हैं वो, ठीक है, बहुत ही कोई शैबी से पर्स है, बट लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है। सो अगर उन्होंने वो पर्स अपने हाथ में लिया हुआ है एंड समबडी, लेट सपोज अ थीफ ट्राइज टू स्नैच इट और स्टील इट अवे, सो हु विल बी मोर वल्नरेबल टू गिव अवे द पर्स? किससे पर्स लेना आसान होगा, ओल्ड लेडी एटम से या बिग गाय थग एटम से? वेरी गुड, ओल्ड लेडी से लेना आसान होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज शी इज वीक, शी इज नॉट कैरिंग हर पर्स विद दैट मच ऑफ अ स्ट्रेंथ, उन्होंने इतनी मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ, उनके पास इतनी ताकत भी नहीं है और पर्स इतना ज्यादा स्ट्रांगली उनसे करीब भी नहीं है, उनसे अटैच्ड भी नहीं है। तो इसको स्टील करने में किसी भी थीव को ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की नीड नहीं होगी, ही जस्ट नीड टू स्नैच इट आउट फ्रॉम हर रन अवे। लेकिन यहीं पे अगर बिग गाय एटम के पास वही पर्स होगा तो क्या उससे किसी चोर को, किसी थीव को उससे वो पर्स लेने में आसानी होगी या मुश्किल होगी? वेरी गुड, क्यों मुश्किल होगी उसको? उसको मुश्किल इसलिए होगी क्योंकि यहां पे बिग गाय के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी है और जितनी एनर्जी वो अपने पर्स को पकड़ने में लगा रहा है एटलीस्ट उतनी एनर्जी तो थीफ को लगानी पड़ेगी और इससे थोड़ी सी और ज्यादा लगानी पड़ेगी ताकि वो एटलीस्ट उससे खींच के ले जा सके। सो द आयनाइजेशन एनर्जी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द थीफ। वो क्या होता है? वो एनर्जी लगाई जाती है टू स्नैच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। When we are talking about the ionization energy, we can say, so when we are talking about ionization energy, we can say that it is the minimum amount of energy required to remove, or in this case, to steal, to snatch an electron from the outermost shell of an atom. किसी भी एटम के outermost shell में से उनका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, स्टील करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए किसी एक एटम को, वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नाउ इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एटम, लेट अस ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम टू प्रूव इट मोर क्लियरली, टू शो इट मोर क्लियरली। ओके, सो हियर इज एन एटम, इसके न्यूक्लियस से इसके शेल्स का डिस्टेंस हमें मालूम है, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज हम पढ़ चुके हैं। सो जितना ज्यादा दूर होगा डेफिनेटली उस पर उतनी ज्यादा होल्ड या उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कम होगी न्यूक्लियस की एज कम्पेयर टू द इनर मोस्ट शेल या करीब के शेल्स पे। तो क्या होगा, हम आउटर मोस्ट शेल से इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज वाई वी से दैट आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकाला जाए और उसके लिए जो एनर्जी लगे, बिकॉज इट इज मोर इजियर कि हम आउटर मोस्ट शेल में से निकालें देन इट इज टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर मोस्ट शेल या इनर शेल्स। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स ज्यादा लगी हुई है न्यूक्लियस की। सो नाउ इन दिस केस द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज इफ यू वॉन्ट टू टेक आउट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, सही है, तो इसमें क्या होगा कि एनर्जी जितनी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने में लगाया हुआ है इतनी एनर्जी तो लगानी होगी और इससे थोड़ी सी और ज्यादा लगानी होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लगानी होगी बिकॉज दैट वुड बी अ वेस्टेज, तो इतनी कि बस इसके बराबर हो, इससे थोड़ी सी बड़ी हो, इतनी बड़ी कि ये आराम से निकाला जा सके। दिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स
और किलो जूल्स पर मोल। किलो जूल्स पर मोल का मतलब है कि हमारे पास इतनी एनर्जी लग रही है एक मोल इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करने के लिए। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट्स, हम स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट लेते हैं, तो यहाँ पे वन मोल इज अ स्टैंडर्ड के एक मोल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, विच इज कैलकुलेटेड इन किलो जूल्स। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है ई डॉट वी। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट। सो इन दिस सिचुएशन, अब अगर हम बात करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जस्ट अ लिटिल बिट मोर देन व्हाट द न्यूक्लियस इज पुटिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन टू कीप इट इन दिस शेल। बस हमें इतनी ही एनर्जी निकालनी है। जब हमने उसको उसके शेल में से रिमूव कर दिया, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इजीली बाउंड हो सकता है। सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी।